चैप्टर 11 थिंकिंग लाइक ए ट्रेडर। यदि आप मुझे ट्रेडिंग को इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के लिए कहोगे तो मैं कहूंगा कि यह एक पैटर्न को पहचानने का नंबर्स गेम है। हम मार्केट एनालिसिस का यूज पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए, रिस्क डिफाइन करने और कब प्रॉफिट लेना है ये डिटरमाइन करने के लिए करते हैं। ट्रेड या तो काम करती है या नहीं करती, चाहे कुछ भी हो हम नेक्स्ट ट्रेड के लिए जाते हैं। यह ऐसे सिंपल हो सकता है लेकिन यह इजी नहीं है। इनफैक्ट ट्रेडिंग सबसे हार्डेस्ट थिंग है जिसमें आप सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हैं। यह इसलिए नहीं क्योंकि इसके लिए बुद्धि की जरूरत है, इसके विपरीत क्योंकि आप जितना ज्यादा सोचते हैं कि आप जानते हैं आप उतना ही कम सक्सेसफुल होंगे। ट्रेडिंग इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसे आपको ऐसे स्टेट से ऑपरेट करना पड़ता है कि आप नहीं जानते हैं, फिर चाहे आपका एनालिसिस परफेक्टली करेक्ट ही क्यों न हो। नहीं जानने के स्टेट से ऑपरेट करने के लिए आपको अपने एक्सपेक्टेशंस को प्रॉपरली मैनेज करना होगा। अपने एक्सपेक्टेशंस को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए आपको अपने मेंटल एनवायरनमेंट को रियलाइन करना होगा, जिससे कि आप 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स को बिना किसी शक के बिलीव कर सके। इस चैप्टर में मैं आपको एक ट्रेडिंग एक्सरसाइज देने वाला हूं, जो आपके मेंटल एनवायरनमेंट में इन ट्रूथ्स को फंक्शनल लेवल पर इंटीग्रेट कर देगी। इस प्रोसेस में मैं आपको एक ट्रेडर के डेवलपमेंट के 3 स्टेजेस को सोचने के लिए कहूंगा। पहली स्टेज है फंडामेंटल स्टेज, जिसमें आपको पहला काम ये करना है कि सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करना है, जो इस अनलिमिटेड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करने के लिए जरूरी है। सेकंड, एक ट्रेडिंग सिस्टम को फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट करना सीखना होगा। थर्ड, अपने माइंड को प्रोबेबिलिटीज में सोचने के लिए ट्रेन करोगे। फोर्थ, ट्रेडर के तौर पर आपकी कंसिस्टेंसी में स्ट्रॉन्ग अनशेकेबल बिलीव को क्रिएट करते हो। जब आप फर्स्ट स्टेज कंप्लीट कर लेते हैं तो आप ट्रेडिंग की सब्जेक्टिव स्टेज की तरफ बढ़ती हैं। इस स्टेज में मार्केट मूवमेंट के बारे में आपने जो कुछ भी सीखा है उसको यूज करते हो। इस स्टेज में बहुत सारी फ्रीडम है, तो आपको यह सीखना होगा कि आपकी ससेप्टिबिलिटी को कैसे मॉनिटर करती हैं। थर्ड स्टेज इंट्यूटिव स्टेज है। इंट्यूटिवली ट्रेडिंग करना डेवलपमेंट की सबसे एडवांस स्टेज है। इस लेवल की ट्रेडिंग मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट लेने के बराबर है। डिफरेंस ये है कि आप इंट्यूटिव होने का ट्राई नहीं कर सकते, क्योंकि इंट्यूशन तो स्पॉन्टेनियस होता है। यह इससे नहीं आता कि हम रेशनल लेवल पर क्या जानते हैं, कुछ होने वाला है इसके बारे में सेंस करना ज्ञान की सबसे डिफरेंट फॉर्म है। मैंने कई ऐसे ट्रेडर्स के साथ काम किया है जिनको आगे क्या होने वाला है इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव सेंस होती थी। यदि वे अपने इंट्यूशन को फॉलो करते तो उन्हें बहुत सेटिस्फाइंग आउटकम मिलते थे। ट्रेडिंग की मैकेनिकल स्टेज। मैकेनिकल स्टेज इस तरह की ट्रेडिंग स्किल्स को बिल्ड करने के लिए डिजाइन की गई है, जो कि आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट बनाने के लिए मजबूर कर देगी। कंसिस्टेंट रिजल्ट मैं उसे कहता हूँ जिसमें आपका इक्विटी ग्रह लगातार बढ़े, केवल माइनर ड्रॉडाउन ही हो। निरंतर बढ़ते हुए इक्विटी कर्व के लिए पैटर्न फाइंड करने के अलावा सिस्टमेटिक तरीके से फियर, यूफोरिया, सेल्फ वैल्यूएशन बेस्ड ट्रेडिंग एरर्स को एलिमिनेट करना होगा, जिनको मैंने इस बुक में डिस्क्राइब किया है। एरर्स को एलिमिनेट करने और अपने सेल्फ वैल्यूएशन के सेंस को एक्सपेंड करने के लिए सभी साइकोलॉजिकल नेचर वाली स्किल्स को एक्वायर करना होगा। ये स्किल्स साइकोलॉजिकल है क्योंकि इनमें से हर एक प्योरेस्ट फॉर्म में एक बिलीफ ही है। याद रखो कि हमारे बिलीफ जिनसे हम ऑपरेट करते हैं वे ही हमारे स्टेट ऑफ माइंड को डिटरमाइन करते हैं, और हमारे अनुभवों को इस तरीके से शेप करते हैं जो हमारी मान्यताओं पर कंसिस्टेंटली रीइंफोर्स करते हैं। एक बिलीफ कितना सत्य है यह इस बात से डिटरमाइन होता है कि वह हमें कितना अच्छे से सर्व करता है। जिस स्तर से वह हमारे उद्देश्य को जस्टिफाई करता है, एक ट्रेडर के तौर पर यदि आपका प्राथमिक उद्देश्य कंसिस्टेंट रिजल्ट पाना है तो एक ऐसा बिलीफ क्रिएट करना कि मैं ऑलरेडी एक सफल ट्रेडर हूँ, यह ऐसे एक्ट करता है जो हमारे परसेप्शन को मैनेज करता है। एक डोमिनेंट बिलीफ क्रिएट करना कि मैं एक कंसिस्टेंटली सफल ट्रेडर हूँ, इसके लिए कंसिस्टेंट सक्सेस के कुछ प्रिंसिपल्स को ग्रहण करना जरूरी है। इनमें से कुछ बिलीफ्स उन बिलीफ्स के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट करेंगे जो आपने ट्रेडिंग के बारे में अभी ले रखे हैं। यदि यही स्थिति है तो आपके पास बिलीफ का एक क्लासिकल एग्जांपल है जो डिजायर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट रखता है। यहाँ पर एनर्जी डायनेमिक्स उस बच्चे से बिल्कुल डिफरेंट नहीं है जो दूसरे बच्चों की तरह बिना डरे डॉग्स के साथ खेलना चाहता है। उसकी डिजायर खुद को इस तरीके से एक्सप्रेस करने की है जो शुरुआत में उसके लिए इम्पॉसिबल था।
उसकी डिजायर को सेटिस्फाई करने के लिए उसे ट्रांसफॉर्मेशन की एक्टिव प्रोसेस में स्टेप लेने होंगे। उसकी टेक्निक सिंपल थी, उसे फोकस्ड रहने के लिए जितना हो सकता था उतना हार्ड ट्राई किया और उसने कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ्स को थोड़ा थोड़ा करके डीएक्टिवेट कर दिया। एक पॉइंट पर यदि वह आपकी डिजायर हो तो आपको कंसिस्टेंट विनर बनने के लिए खुद को ट्रांसफॉर्म करने की प्रोसेस में स्टेप्स लेने होंगे। जब पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट आपकी इच्छा शक्ति, आपके इरादों की क्लैरिटी और आपकी डिजायर की स्ट्रेंथ ही होती हैं। अल्टीमेटली इस प्रोसेस को काम करने के लिए आपको ट्रेडिंग के लिए सभी रीजन्स के ऊपर कंसिस्टेंसी को चूज करना होगा। कंसिस्टेंसी क्रिएट करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि खुद को नोटिस करो कि आप कैसे सोच रहे हो, कैसे बोल रहे हो और क्या कर रहे हो, क्योंकि जो कुछ भी हम ट्रेडर के तौर पर सोचते हैं, कहते हैं और करते हैं वह कंट्रीब्यूट करता है और कुछ बिलीफ्स को हमारे मेंटल सिस्टम में रीइंफोर्स करता है। क्योंकि कंसिस्टेंट बनने की प्रोसेस नेचर में, इसलिए आपको इससे आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि इसके लिए आपको कई साइकोलॉजिकल प्रोसेस पर ही ध्यान देना होगा। इसके पीछे आइडिया यह है कि आप अपने थॉट्स के एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वर बने। आपके ट्रेडिंग एरर करने में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यही है कि आप इसके बारे में सोचते हुए खुद को पकड़े, और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये है कि आप गलती करते हुए खुद को पकड़े। यदि आप खुद को एक ऑब्जर्वर बनने के लिए कमिट नहीं करते तो आपको इसके बाद में रियलाइजेशन होगा, जब आप खुद को रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन की स्थिति में पाओगे। ऐसा करना आप में से कुछ के लिए इजी नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी गलतियों को इमोशनल पेन से एसोसिएट करना जल्दी सीख लेता है। कोई भी इमोशनल पेन की स्टेट में नहीं जाना चाहता, तो हम जितना हो सके उतना मिस्टेक्स को जानने को अवॉइड करते हैं। आमतौर पर मिस्टेक से सामना ना करने पर उतने डिजास्ट्रस परिणाम नहीं होते। यदि कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करना एरर्स को एलिमिनेट करने का फंक्शन है, तो यह कहना अंडरस्टिमेट होगा कि यदि आप एक मिस्टेक्स को नहीं पहचानोगे तो आपके लिए आपका उद्देश्य पाना बहुत मुश्किल है। ऑब्वियसली यह ऐसा है जिसे बहुत कम ही लोग कर सकते हैं। यह प्रवृत्ति इतनी गहरी है कि यह मानव की इनहेरेंट विशेषता लगती है। मिस्टेक्स करना जिंदगी का एक नेचुरल फंक्शन है, और यह तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आप उस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते जहां पर आप नंबर वन, आपके सभी बिलीफ्स आपके डिजायर के साथ हारमोनी में हो जाते हैं, सेकंड, आपके बिलीफ्स इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड हो जाते हैं कि ये वातावरण के पर्सपेक्टिव से जो काम करता है उसके साथ कंसिस्टेंट हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो मिस्टेक्स करने का पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमारे उद्देश्य की ओर हम उचित स्टेप नहीं ले पाएंगे। इससे अधिक जो भी अवेलेबल है हम उसे परसीव नहीं कर पाएंगे, या फिर जितने की इच्छा रखते हैं उतना नहीं कर पाएंगे। यदि आप एक कंसिस्टेंट विनर बनने जा रहे हैं तो मिस्टेक्स नेगेटिवली चार्ज रूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, जैसा कि ज्यादातर लोगों के माइंड में होती है। आपको खुद को मॉनिटर करना होगा। यदि यह पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। फर्स्ट, आप पॉजिटिवली चार्ज्ड बिलीफ का नया सेट एक्वायर कर लेते हैं, जिसके साथ नेगेटिवली चार्ज्ड बिलीफ को डीएक्टिवेट कर देते हैं। सेकंड, यदि आप फर्स्ट चॉइस को अनडिजायरेबल पाते हैं तो आप एरर करने के पोटेंशियल के साथ निपटारा कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि यदि आप ट्रेड करने जा रहे हैं और खुद को मॉनिटर कर रहे हैं लेकिन उसी समय कंसिस्टेंट रिजल्ट की इच्छा भी रखते हैं, तो फिर मैकेनिकल स्टेज से ट्रेड करने पर ही यह दुविधा सोल्व होगी। अदरवाइज एक बार जब आप मिस्टेक्स के साथ नेगेटिवली चार्ज एनर्जी को एसोसिएट करने से रुक जाते हैं तो खुद को मॉनिटर करना काफी सिंपल है। इनफैक्ट यह बहुत इजी है, आपको केवल यह डिसाइड करना है कि आप खुद को मॉनिटर क्यों करना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि आपके माइंड में इसके लिए क्लियर पर्पज होना चाहिए। जब आप नोटिस करते हैं कि आप अपने उद्देश्य की ओर फोकस्ड नहीं है, तब आप अपने थॉट्स को रिडायरेक्ट करना चूज करते हैं। जब तक आवश्यक हो तब तक रिडायरेक्ट करते जाएं। जितनी अधिक इच्छा शक्ति से आप इस प्रोसेस में इंगेज होंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने उद्देश्य के साथ कंसिस्टेंट रहने वाला मेंटल फ्रेमवर्क क्रिएट कर लोगे। सेल्फ डिसिप्लिन की भूमिका। मैं सेल्फ डिसिप्लिन को ऐसी मेंटल टेक्निक कहता हूँ जो हमारे गोल और ऑब्जेक्टिव की ओर हमें फोकस रखती है। इस डेफिनेशन के बारे में पहली चीज आपको यह नोटिस करनी है कि सेल्फ डिसिप्लिन नया मेंटल फ्रेमवर्क क्रिएट करने की टेक्निक है। यह कोई पर्सनैलिटी गुण नहीं है। लोग सेल्फ डिसिप्लिन के साथ जन्म नहीं लेते हैं। जैसा कि एक टेक्निक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में यूज की जाती है, तो इसे यूज करने के लिए कोई भी चूज कर सकता है। मैकेनिकली
ट्रेडिंग करने का सोल पर्पज यही है कि खुद को एक सक्सेसफुल ट्रेडर में बदलना। याद रखो कि कंसिस्टेंसी एक विनिंग ट्रेड लेने के जैसी नहीं है और एक विनिंग ट्रेड की सीरीज लेने की जैसी भी नहीं है, क्योंकि एक विनिंग ट्रेड लेने के लिए कोई स्किल की जरूरत नहीं पड़ती। कंसिस्टेंसी एक स्टेट ऑफ माइंड है जो कि एक बार अचीव हो गई तो आपको बदलने नहीं देती है। उसके बाद आपको कंसिस्टेंट होने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, क्योंकि यह आपकी पहचान का एक नेचुरल फंक्शन बन जाती है। एग्जाम्पल के लिए, रिस्क को प्री डिफाइन करना कंसिस्टेंट बनने का एक स्टेप है। यदि रिस्क को प्री डिफाइन करने के लिए कोई स्पेशल एफर्ट लगाना पड़े या कंशियसली इसके बारे में बार बार खुद को याद दिलाना पड़े, तो फिर यह प्रिंसिपल अभी डोमिनेंट और आपकी आइडेंटिटी का फंक्शनिंग पार्ट नहीं बना है। एक बार जो आपके लिए स्ट्रगल था, वह आपके लिए एफर्टलेस बन जाएगा। कंसिस्टेंसी में बिलीफ क्रिएट करना, मैं एक कंसिस्टेंट विनर हूँ, यह बिलीफ क्रिएट करना प्राथमिक उद्देश्य है। लेकिन इसके स्टेप टू स्टेप तोड़े बिना यह क्रिएट करना काफी ज्यादा विस्तृत है, इसलिए मैं इसको स्मॉलेस्ट पार्ट में ब्रेक करने वाला हूँ। यह निम्न सब बिलीफ एक कंसिस्टेंट विनर होने के बिलीफ के अंडरलाइंग स्ट्रक्चर प्रदान कर देंगे। मैं एक कंसिस्टेंट विनर हूँ क्यों? फर्स्ट, मैं अपनी एज को ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई करता हूँ। सेकेंड, मैं हर ट्रेड में रिस्क प्री डिफाइन करता हूँ। थर्ड, मैं रिस्क को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करता हूँ। फोर्थ, मैं बिना किसी झिझक के अपने एज पर एक्ट करता हूँ। फिफ्थ, मैं खुद को पे करता हूँ जैसे कि मार्केट ने मेरे लिए मनी उपलब्ध कराई है। सिक्स्थ, मैं गलतियाँ करने की खुद की ससेप्टिबिलिटी को लगातार मॉनिटर करता हूँ। सेवंथ, मैं कंसिस्टेंट सक्सेस पाने के इन प्रिंसिपल्स की जरूरत को समझता हूँ, इसलिए मैं इन्हें कभी भी वायलेट नहीं करता। ये बिलीफ्स कंसिस्टेंसी के 7 प्रिंसिपल्स हैं। इनको आपके मेंटल सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए जरूरी है कि आप लगातार इनके साथ तजुर्बा करें। यह उस बच्चे से अलग नहीं है जो उस डॉग के साथ खेलना चाहता है। डॉग के साथ खेलने से पहले उसके पास जाने का अटेम्प्ट करता है। जैसे ही उसके मेंटल सिस्टम में एनर्जी सूटेबल हो जाती है, तो फिर वह डॉग के साथ खेल पाता है। एक्सरसाइज, लर्निंग टू ट्रेड इन एज लाइक ए कैसीनो। इस एक्सरसाइज का उद्देश्य यह है कि आपको इस बात के लिए कन्विंस करना कि ट्रेडिंग एक सिंपल सा प्रोबेबिलिटीज का नंबर गेम है। माइक्रो लेवल पर किसी इंडिविजुअल एज का आउटकम रेंडम होता है और मैक्रो लेवल पर एक ट्रेड्स की सीरीज का आउटकम कंसिस्टेंट होता है। प्रोबेबिलिटीज के प्रस्पेक्टिव से एक ट्रेडर के तौर पर आप एक कैसीनो के जैसे हो सकते हो। यदि आप एक ऐसा एज रखते हैं जो ऑड्स को आपके फेवर में कर देता है, यदि आप ट्रेडिंग के बारे में उचित तरीके से सोच सकते हैं, यदि आप ट्रेड्स की एक सीरीज के लिए कुछ भी कर सकते हैं जो कि करना जरूरी है, तब कैसीनोज के जैसे गेम आपके हाथ में होगा और आप एक कंसिस्टेंट विनर बन जाओगे। सेटिंग द एक्सरसाइज, पिक ए मार्केट। एक एक्टिवली ट्रेड किए जाने वाला स्टॉक या फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करने के लिए चुनो। यह मैटर नहीं करता कि यह कौन सा है, जब तक कि यह लिक्विड स्टॉक या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। एक सेट ऑफ मार्केट वेरिएबल्स को चूज करो जो आपका एज डिफाइन करता है। यह कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है जो आप चाहते हैं। यह ट्रेडिंग सिस्टम मैथमेटिकल हो सकती है, मैकेनिकल या विजुअल हो सकता है। यह मैटर नहीं करता कि आपने यह पर्सनली डिजाइन किया है या आपने परचेज किया है। यह एक्सरसाइज सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में नहीं है और ना ही आपके एनालिटिकल एबिलिटीज को टेस्ट करने के लिए है। मैं किसी भी सिस्टम के बारे में स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ज्यादातर लोगों की टेक्निकल स्कूलिंग पहले ही हो चुकी है। अगर आपको कोई एडिशनल असिस्टेंस चाहिए तो आप किसी और बुक की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ सैकड़ों बुक्स इस टॉपिक पर अवेलेबल हैं। जो भी सिस्टम आप चूज करती हैं, वह आगे दिए गए स्पेसिफिकेशंस को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट, ट्रेड एंट्री। सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपको ट्रेड का डिसीजन लेने के लिए कोई अलग जजमेंट ना लेना पड़े। यदि मार्केट आपके वेरिएबल्स के साथ अलाइंड है तो आप ट्रेड लेंगे, वरना नहीं लेंगे। सेकंड, स्टॉप लॉस एग्जिट। जब ट्रेड काम ना करे तो भी वह सेम कंडीशन लागू होती है। आपकी मेथोडोलॉजी को आपको एग्जिट बताना चाहिए कि कितना रिस्क आपको लेना है। थर्ड, टाइम फ्रेम। आपकी मेथोडोलॉजी किसी भी टाइम फ्रेम में हो सकती है जो आपको सूट करे, लेकिन सभी एंट्री और एग्जिट भी उसी सेम टाइम फ्रेम में होनी चाहिए। फोर्थ, टेकिंग प्रॉफिट। चाहे आप बिलीव करो या ना करो, जितने भी स्किल सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए जरूरी है, उनमें से एक स्किल प्रॉफिट लेना कहाँ है, ये सीखना सबसे ही मुश्किल है। निराश मत हो, यहाँ एक तरीका है प्रॉफिट लेने के रेजिमे को डिसाइड करने का, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा।
वो ये है कि प्रॉफिट लेने के लिए एक सबसे ज्यादा स्वाभाविक पॉइंट चूज करो, और बेस्ट एक्शन साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव से ये है कि अपनी पोजीशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, और जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में मूव करता जाए तो उसे स्केल आउट करते जाओ। यदि आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो इसका अर्थ है कि आपकी मिनिमम पोजीशन 3 कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, और स्टॉक्स में 3 के मल्टीपल में आप कितना भी चूज कर सकते हो। ट्रेडिंग इन सैंपल साइज, एक आम ट्रेडर के लिए रिसेंट ट्रेड्स पर इमोशनली जीने और मरने के जैसी स्थिति होती है। यदि ट्रेड विनर है तो वह खुशी खुशी अगली ट्रेड के लिए जाता है, यदि वह लूजर है तो वह अपने एज पर शक करने लगता है, ये जानने के लिए कि क्या काम करता है और क्या काम नहीं करता, कितने अच्छे से काम करता है। इसके लिए हमें सिस्टमेटिक अप्रोच रखनी होगी, एक ऐसी अप्रोच जो किसी रेंडम वेरिएबल को कंसिडरेशन में नहीं लेती है। इसका मतलब है कि हमें सफलता की डेफिनेशन को एक्सपेंड करना होगा, हमें ट्रेड्स बाय ट्रेड्स सफलता देखने के बजाय एक सैंपल साइज जैसे कि 20 ट्रेड से देखना होगा। टेस्टिंग, एक बार जब आप एक सेट ऑफ वेरिएबल्स डिसाइड कर लेते हो जो इन स्पेसिफिकेशंस को कन्फर्म करता है, तो आपको उन्हें टेस्ट करना होगा कि वे कितने अच्छे से काम करते हैं। यदि आपके पास इसे करने के लिए उचित सॉफ्टवेयर है तो आप पहले ही इस प्रोसेस से परिचित हैं। यदि आपके पास टेस्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इसके लिए एक टेस्टिंग सर्विस हायर भी कर सकते हैं। किसी भी स्थिति में यह याद रखो कि इस एक्सरसाइज का उद्देश्य ट्रेडिंग को ऐसे साधन के रूप में यूज करना है जहां हम सीखते हैं कि ऑब्जेक्टिव तरीके से कैसे सोचें। अभी के लिए आपके सिस्टम की बॉटम लाइन परफॉर्मेंस इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यह इम्पोर्टेंट है कि आप विन टू लूज रेशियो का एक गुड आइडिया रखें। एक्सेप्टिंग द रिस्क, इस एक्सरसाइज के लिए एक रिक्वायरमेंट यह है कि आप अपनी 20 ट्रेड की सैंपल साइज में से प्रत्येक ट्रेड में क्या रिस्क पर है, इस बात को पहले से ही एग्जैक्टली जाने। जैसा कि आप अब जानते हैं कि रिस्क को जानने और रिस्क को एक्सेप्ट करना 2 अलग अलग चीजें हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने रिस्क को लेकर जितना संभव हो उतना कंफर्टेबल हो जाएं। जैसा कि इस एक्सरसाइज में हम 20 ट्रेड्स को सैंपल साइज की तरह लेते हैं, तो पोटेंशियल रिस्क इसमें हो सकता है कि आप पूरी 20 ट्रेड्स ही लूज कर दें। यह सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो होगा। यह भी हो सकता है कि आपकी सभी 20 ट्रेड्स विनर हो जाएं, लेकिन यह एक संभावना है। इसलिए आपको इस एक्सरसाइज को इस तरह से सेटअप करना चाहिए कि आप सभी 20 ट्रेड्स के रिस्क को एक्सेप्ट करें। डूइंग द एक्सरसाइज, जब आपके पास वह सेट ऑफ वेरिएबल्स हैं जो जरूरी स्पेसिफिकेशंस को कंफर्म करता है, तो आप जानते हैं कि प्रत्येक ट्रेड को काम करने के लिए आपको कितना अकाउंट रिस्क करना होगा। आपके पास प्रॉफिट लेने का एक प्लान है और आपको पता है कि आपके सैंपल साइज से आपको कितना विन लूज रेशियो एक्सपेक्ट करना है, तब आप एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हैं। इसके रूल्स एकदम सिंपल है, आपके सिस्टम को एग्जैक्टली वैसे ही ट्रेड करो जैसे कि आपने इसे डिजाइन किया है। इसका मतलब है कि आपको अपने एज के कम 20 बार होने के जितना आपको कमिट करना होगा, ना कि केवल अगली 1 या 2 ट्रेड्स के लिए। पूरी की पूरी 20 ट्रेड, फिर चाहे कुछ भी हो, आप किसी दूसरे फैक्टर के प्रति विचलित नहीं हो सकते, दूसरे फैक्टर को यूज नहीं कर सकते और उससे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। जब तक आप एक सैंपल साइज ट्रेड्स कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक आपको अपने वेरिएबल्स को चेंज नहीं करना है। यदि आप 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स में बिलीव करते हैं और आप मानते हैं कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है, तो आपको यह एक्सरसाइज एकदम से एफर्टलेस लगेगी। परिणाम स्वरूप आपको कोई फियर नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस, डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स नहीं होंगे। इस एक्सरसाइज को करने में आपको जितनी डिफिकल्टी महसूस होगी, उसी स्तर पर आपके माइंड में कंफ्लिक्ट एग्जिस्ट करेंगे। अगर आपको इस एक्सरसाइज के 1-2 अटेम्प्ट्स इम्पॉसिबल लगे, तो इसमें आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। इस कॉन्फ्लिक्ट को आपको कैसे हैंडल करना चाहिए, खुद को मॉनिटर करो और सेल्फ डिसिप्लिन की टेक्निक यूज करो खुद को अपने उद्देश्य पर रिफोकस करने के लिए। 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स और कंसिस्टेंसी के 7 प्रिंसिपल्स को लिख लो और ट्रेडिंग करते वक्त हमेशा अपने सामने रखो। बार बार कन्विक्शन के साथ इन्हें रिपीट करो। जब भी आप कुछ ऐसा सोचें, कहें या करें जो इन ट्रूथ्स और प्रिंसिपल्स के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसे हर बार नोटिस करें। कंफ्लिक्टिंग फोर्सेस के अस्तित्व को नकारे नहीं। जब जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं, 5 फंडामेंटल ट्रूथ्स में से एक को कन्फर्म करता है, तो आप कंफ्लिक्टिंग बिलीफ से एनर्जी को बाहर निकाल देती हैं और संभावनाओं की बिलीफ में कुछ एनर्जी को ऐड कर देती हैं। इवेंचुअली आपके न्यू बिलीफ इतने पावरफुल बन जाते हैं कि आपको अपने ऑब्जेक्टिव की ओर
कंसिस्टेंट होकर सोचने के लिए कोई भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। आप निश्चित तौर पर यह जानोगे कि प्रोबेबिलिटीज के स्तर पर सोचना आपकी पहचान का ही हिस्सा है। जब आप कम से कम 20 ट्रेड की सैंपल साइज को बिना किसी डिफिकल्टी, रेजिस्टेंस और कंफ्लिक्टिंग थॉट्स के करने के काबिल हो जाओगे, तब और केवल तब आप ट्रेडिंग की ज्यादा एडवांस सब्जेक्टिव और इंट्यूटिव स्टेज की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो जाओगे। ए फाइनल नोट, ट्रेड्स की एक सैंपल साइज को पूरा करने में अपने प्लान को बिना किसी डेविएशन, डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स और हेजिटेशन के एक्ट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको प्रीजज करने की कोशिश मत करो। इसमें जितना वक्त लगता है उतना लगेगा। यदि आप एक प्रोफेशनल गोल्फर बनना चाहती हैं, तो आपको यह असामान्य नहीं लगेगा कि आपकी मसल मेमोरी में टेक्निक डालने के लिए आपको 10,000 या इससे भी ज्यादा गोल्फ बॉल डेडिकेट होकर हिट करनी पड़ेगी। जब आप उन गोल्फ बॉल्स को हिट कर रही होती हैं, तो आप किसी के खिलाफ कोई एक्चुअल गेम नहीं खेल रहे होती हैं या कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीत रहे होती हैं। आप ये इसलिए करती हैं क्योंकि आप बिलीव करती हैं कि यह स्किल ग्रहण करना और प्रैक्टिस करना आपको जीतने में हेल्प करेगी। ट्रेडर के तौर पर एक कंसिस्टेंट विनर बनना सीखना भी इससे कोई अलग नहीं है। मैं आपके लिए ग्रेट प्रोस्पेरिटी की कामना करता हूँ और आपको गुड लक कहना चाहूंगा। लेकिन यदि आप उचित स्किल ग्रहण करने के लिए वर्क करते हो, तो आपको लक की जरूरत ही नहीं है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।